Dear students, today we are going to discuss NEET 2018 paper for physics. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे first question की तरफ चलते हैं. First question is the moment of force F equal to 4i cap 5j cap minus 6k cap at 2 0 minus 3 about the point 2 minus 2 minus 2 is given by and four options are these. Okay, ये हमारे पास चार options given हैं. ये क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टॉर्क के कैलकुलेशन का. हमारे पास फोर्स गिवन है और फोर्स लग रहा है 2 0 माइनस 3 पे और हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट. इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 2 एंड माइनस 2. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली बना लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो दिस इज द टॉर्क फॉर्मूला, दैट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज द टॉर्क. इट इज गिवन बाय टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द फोर्स टू पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क, राइट. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सिचुएशन. ये हमारे पास डायग्राम है. ओके, ओ पॉइंट जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट पी है जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास इस एरो से रिप्रेजेंट की गई है. यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द फोर्स. तो फोर्स मैंने यहां पे बना लिया. अब हमें यहां आर वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 0 -3 और ये है 2 -2 -2. तो आर वेक्टर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स पी के कोऑर्डिनेट और ए ओ के कोऑर्डिनेट. और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 -2 i cap + 0 -2 j cap - 3 -2 k cap, राइट. और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 j cap - k cap. फोर्स की वैल्यू तो हमें मालूम है. अब हमें आर मालूम हो चुका है, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज द टॉर्क. दिस इज द टॉर्क, ठीक है. अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -7i cap - 4j cap - 8k cap. और अब चलते हैं ऑप्शंस में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. और ऑप्शन हमारे लिए है 1, राइट. आंसर इज 1, दैट इज -7i cap - 4j cap - 8k cap. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है ए ब्लॉक ऑफ मास m. This is a block of mass m. It is placed on a smooth inclined wedge ABC. ये smooth inclined wedge है ABC. यहाँ पे block और इसकी surface के बीच में कोई friction नहीं है. The wedge is given the acceleration a towards the right. Right की तरफ हमने acceleration a given है. The relationship between a acceleration theta for the block to remain stationary on the wedge. That means ये जो block है wedge में वेज की स्लोपिंग सरफेस में स्लाइड नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें स्मॉल ए और थीटा में रिलेशंस मालूम करना है. ओके, दीज आर द ऑप्शंस. अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, डायग्राम को दूसरे पेज में प्लेस कर लेते हैं. दिस इज द डायग्राम. ओके, अब सिचुएशन क्या है, ये ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स वी नीड टू एनालाइज द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज. और वेज क्या है, एक्सलेट कर रहा है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सलेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज वेज से हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं, दैट मींस सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. और सूडो फोर्स कितना होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होगा, स्मॉल है, राइट. तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे इसमें उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें एनालाइज करने के लिए जरूरी है. बिकॉज दिस ब्लॉक में स्लाइड अलोंग द स्लोपिंग साइड. तो अब इसमें एम जी साइन थीटा तो हम लोगों को मालूम है, नीचे लगेगा. सूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हम लोगों ने बात की, अपोजिट टू द एक्सलेशन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. और यहाँ हो गया है एम जी साइन थीटा. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ये स्लाइड कर सकता है तो स्लोपिंग साइड के अलोंग, दैट मीन्स सूडो फोर्स का हमें कंपोनेंट चाहिए स्लोपिंग साइड के अलोंग. और ये हॉरिजॉन्टल है, स्लोपिंग साइड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है. दैट मीन्स स्लोपिंग साइड के अलोंग इस सूडो फोर्स का कंपोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा. दिस इज एम ए कॉस थीटा. अब अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ओब्वियसली एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा इक्वल होने चाहिए,
राइट। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन एकदम आसान है। हम लोग कहेंगे इफ इट इज अ स्टेशनरी एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब हमें ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एम और एम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ये फोर ऑप्शन है, ओब्वियसली ऑप्शन नंबर वन हमारे लिए करेक्ट है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास एम। एक ब्लॉक मूव कर रहा है जिसका मास है स्मॉल एम, कोलाइड करता है अनदर स्टेशनरी ब्लॉक जो रेस्ट में है जिस लेकिन इसका मास है फोर एम। द लाइटर ब्लॉक कम टू द रेस्ट, लाइटर ब्लॉक जो कम मास का है दैट इज अ स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो कोलिजन के बाद रेस्ट में आ जाता है। और वेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज वी, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है किसकी, लाइटर ब्लॉक की। देन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम करना है और ऑप्शंस हमें ये गिवन है राइट। हमें यहाँ पे एक काम करना चाहिए, सबसे पहले इनिशियल दैट इज जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, इन दोनों सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द बिफोर कोलिजन कंडीशन, ये ब्लॉक मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से मास एम, इसको ब्लॉक नंबर वन कह देते हैं और ये रेस्ट में है फोर एम मास। आफ्टर कोलिजन अब देखते हैं, ये रेस्ट में आ गया वन और ये कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगा जो मालूम नहीं, इसको वी डैश ले लिया, दिस इज आफ्टर कोलिजन। ओके, तो ये इनिशियल कोलिजन सॉरी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। अब हमें मालूम है कि कोलिजन का कोई भी केस हो, वॉट एवर मे बी द केस ऑफ द कोलिजन, इलास्टिक इनइलास्टिक किसी भी टाइप का कोलिजन हो, हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना होता है। तो हम लोग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दें राइट। इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, स्मॉल एम मल्टीप्लीकेशन वी प्लस फोर एम मल्टीप्लीकेशन जीरो, और आफ्टर स्मॉल एम मल्टीप्लीकेशन जीरो प्लस फोर एम मल्टीप्लीकेशन वी डैश। वी डैश एज्यूम कर लिया हमने वेलोसिटी ऑफ द टू जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो एम और एम तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा वी डैश, और वी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी डिवाइडेड बाई फोर, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। ओके, अब हमें मालूम करना है क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूटन फॉर्मूला हमारे पास है, वो है फॉर्मूला ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज ई इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई यू वन माइनस यू टू, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वी टू और वी वन, ये वी टू और वी वन का जो डिफरेंस है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन ये किस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, नॉर्मल, दैट इज द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड को ज्वाइन कर देंगे, उस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग यहाँ पे कहेंगे कॉमन नॉर्मल राइट। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं वी वन वी टू यू वन यू टू क्या है। हमारे पास यू वन दैट इज द स्मॉल एम, स्मॉल एम की वेलोसिटी इनिशियली हमारे पास क्या है वी। हम लोग एक डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे राइट वर्ड डायरेक्शन इनिशियल मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया राइट, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई यू वन ठीक है। ये हमारे पास रेस्ट में है तो यू टू इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये है फर्स्ट हमने एज्यूम किया हुआ है तो वी वन की वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई, और ये हमारे पास है वी टू सेकेंड, तो वी टू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है दैट इज वी बाई फोर। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके कैलकुलेट कर लेते हैं इन वैल्यूज को, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे वैल्यू ये आया और ये वैल्यू है वन बाई फोर दैट इज 0.25। तो अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं, 0.25 दैट इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है थ्री ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन सर्कुलर डिस्क एंड सी सर्कुलर रिंग। ईच हैव द सेम मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। मास सेम है, रेडियस सेम है।
दे ऑल स्पिन अबाउट द सेमेट्रिकल एक्सिस, देयर सेमेट्रिकल एक्सिस विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा. तीनों के मासेस इक्वल हैं, तीनों की रेडियस इक्वल है, तीनों सेम एंगुलर स्पीड से अपनी सेमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं. सेमेट्रिकल एक्सिस मींस ऐसी एक्सिस जो उनकी सेंट्रॉइड से पास हो रही है. यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस और ओवर द वॉल्यूम. तो सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस जो सेमेट्रिकली मास को डिवाइड कर रही है. अब क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन. कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, ये ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें मालूम करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सिचुएशन क्या थी, एनालाइज करो. पहले अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, करेक्ट. क्या थी उनके पास, काइनेटिक एनर्जी. कैसी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल हमारे पास कंडीशन आ गई, सबके पास काइनेटिक एनर्जी. अब हमने उन्हें स्टॉप कर दिया, कुछ वर्क करना पड़ा होगा. वर्क का रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई. अब हमें यहां पे वर्क के रिलेशन के बारे में मालूम करना है. तो एक चीज तो हमें क्लियर है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनिशियल से जीरो की हुई है. दैट मींस वी कैन अप्लाई हियर द वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास कोई एक रिलेशन मिल जाएगा. तो लेट अस अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. और वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारे पास वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के, राइट. अब यहाँ पे डेल्टा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो. मैंने यहाँ जीरो लिखा नहीं है. अब डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. अब यहाँ पे देख सकते हो आई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ये वर्क, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए इज टू डब्ल्यू बी इज टू डब्ल्यू सी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब देखते हैं फर्स्ट ए क्या है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² सर्कुलर डिस्क mr² / 2 रिंग mr². तो अब हम लोग इनकी वैल्यूज को लिख देते हैं, राइट. कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट कॉमन है, mr² 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 हमारे पास आ जाएगा 2:5 1:2 and 1 ये रेशो आ गया, राइट. अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि डब्ल्यू सी की वैल्यू हमारे पास सबसे लार्जेस्ट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग है, इसकी वैल्यू 0.5 और ये वैल्यू है 0.4. तो डब्ल्यू सी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी, राइट, इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए. डब्ल्यू ए सबसे कम होगा. ओके, ये हमारे पास सिचुएशन आएगी. ओके, अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. डब्ल्यू सी लार्जेस्ट है, इसके बाद है डब्ल्यू बी, इसके बाद है डब्ल्यू ए. तो अब यहां पे ऑप्शन में देखते हैं डब्ल्यू सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वर्क एनर्जी से रिलेटेड और मोशन इन वर्टिकल सर्किल. ये हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड. क्वेश्चन है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ये बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है और हाइट एस से ये स्लाइड कर रही है. जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर ए बी, ये एक वर्टिकल लूपिंग करती है, ए बी डायमीटर डी है इसमें, और हमें मालूम करना है एच इज इक्वल टू, ये फोर ऑप्शन है. ओके, डायग्राम नेक्स्ट पेज में प्लेस कर लेते हैं. हमें मालूम है कि वर्टिकल लूपिंग के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √5 gr. दिस इज द कंडीशन फॉर लूपिंग इन द वर्टिकल प्लेन, मिनिमम वेलोसिटी √5 gr. डायमीटर के टर्म में दिया हुआ है तो रेडियस d/2 होगा, और d/2 अगर यहां रखेंगे तो √5/2 gd होगा. ओके, ये वेलोसिटी एट ए आ गई. अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी लॉस का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता. दैट मींस वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. हमारे पास इनिशियल पॉइंट ले ले ओ, सपोज दिस इज अ पॉइंट ओ एंड दिस पॉइंट इज ए,
तो ओ पॉइंट हमारे पास है ये और ए पॉइंट है ये। अब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। जब ये नीचे जाएगा तो लॉस करेगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी लॉस करेगा यहाँ पे डेल्टा यू, तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा इतना। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच के बराबर होगी, ठीक है। और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगी, डेल्टा के, डेल्टा के का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस जीरो। अब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दोनों का समेशन जीरो होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं। ओके, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, जो हम लोग हमारे पास ओ पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है, राइट। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे। वी ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी रूट 5/2 जी डी, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू एम, एम से जी, जी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5/4 डी। ऑप्शंस में देखते हैं क्या है हमारे पास, ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन वन 5/4 डी इज करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज वन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में गिवन है ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है। इन रोलिंग मोशन ए बॉडी पोजेस द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के टी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर साइमल्टेनियसली। द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू समेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्फीयर इज, ऑप्शन हमारे पास ये गिवन है। ओके, ये केस रोलिंग मोशन का है और हमें मालूम है कि रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की स्लाइडिंग नहीं होती है। दैट मीन्स हम लोग इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग वी सी लिख सकते हैं, और वी सी की वैल्यू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर होनी चाहिए इन केस ऑफ द रोलिंग, बिकॉज ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर हम लोग उसकी नेट वेलोसिटी देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी वी, और ये होगी वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर सपोज इज रेडियस, राइट। तो अगर हमारे पास रोलिंग की कंडीशन है तो वी और ओमेगा आर इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स वी सी इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो ये लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज रोलिंग बॉडी है, ये कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी विल हैव द डिफरेंट वेलोसिटी, केवल एक पॉइंट होगा जिसकी वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वेरी वेल, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और रोटेशन का सम है, तो दोनों का समेशन हम लोग लिख देते हैं के टी प्लस के आर, राइट, दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है ट्रांसलेशन एंड समेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, राइट, लाइक दिस। अब हमें मालूम है ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है 2/5 mR² एंड वी सी इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर, राइट। हम लोग इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दीज आर द वैल्यूज वी नो। अब के टी डिवाइडेड बाई के टी प्लस के आर, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कई चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम ओमेगा आर स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/1 + 2/5, ओके, दैट इज 1/, दिस इज 7/5, दैट इज वो फाइनल रिलेशन इज 5/7। अब ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में 5/7 फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज आंसर 4 इज करेक्ट। ओके,